गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा सुधारे कालिंदी जमुना किनारे, जो कि जमुना का पवित्र जल वृंदारण्य निकुंज मंजुल ग्रीष्मात्मेश्वरी मार्गयन हाराधि सविदर्थ दर्शित पथम किं जासि नेतालपन कालिंदीसलिले चतत्कुचतटी कस्तूरिका पंकिले स्नायम स्नायम अहु कुदेह जलम कुदेह जमलम जयम कदा निर्मल स्नायम स्नायम अहु कुदेह जमलम जयम कदा निर्मल। अहो वृंदावन के मंजुल निकुंज गृह में आत्म शरीर राधा जी को ढूंढते हुए, जबकि हम हराधे हराधे तुम विदग्ध दर्शित पते, जो जानकार है ऐसे सही रास्ते में क्यों नहीं जा रही हो, क्यों रास्ता भटक रही हो। ऐसे बात करते करते राधा जी के कुछ प्रांत लग्न वक्षस्थल में लग्न कस्तूरी का, और उस कस्तूरी से पंकिल जमुना जल में स्नान करते करते निर्मल होकर कब मैं अपने शरीर की जो कि को देह जो मलम विसर्जन करूंगी, कि अपने शरीर के जो मैल उसको दूर करूंगी दूर हटाऊंगी। श्रीपाद पहले श्लोक की स्फूर्ति में जो रास नृत्य हो रहा था, उस रास नृत्य में अतिशय क्लांत श्री राधा और रास रसिक श्याम सुंदर उन दोनों को रत्न सिंहासन में बैठा कर यज्ञ बीजन कर रहे थे और पाद सिंहासन की सेवा का वर्णन किया था कि राधा श्याम सुंदर को बीजन करते हुए उनका पाद सेवन करते संवाहन करते हुए कब हमें सौभाग्य मिले, इस तरह की सेवा की प्रार्थना की। तो इस प्रकार मानसिक रूप में सेवा रस की स्फूर्ति साधक का अनुसंधान रहना अति आवश्यक है कि हमारे सिद्ध वस्तु अभीष्ट देव हमारे सेवा ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। यदि उनके मन के अनुरूप सेवा हो, निश्चय भी आकर
कुछ न कुछ आवाज तो प्रदान करेंगे कि तुम्हारी सेवा मुझे अच्छी लगी है। तो इस प्रकार कुछ न कुछ आभास अवश्य मिलेगा, कुछ न कुछ अनुभव मिलेगा। जैसे बिल्लो मंगल को कहा कि तुम्हारी वर्णना मेरे हृदय और कर्ण में शायन हुआ, तुमने जो वर्णन किया है कृष्ण कर्णामृत, वो मेरे कान के लिए अतिशय अमृत और तृप्तिदायी हुआ है। इस तरह से जिस कर्णामृत में उन्होंने कहा चिंता मनीर जयति सोमगिरि गुरु में, शिक्षा गुरु से भगवान सिखी पिंचमो, तो इस प्रकार साधक की जो उत्कंठ है वही भजन, उत्कंठ पूर्ण जो भजन होता है वही राधा जी के कृष्ण के मन के अनुरूप सेवा है। इसलिए श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा है परम नगर कृष्ण ताते हवते तृष्ण भज तरे रज भाव लैया। सर्वश्रेष्ठ नागर श्री कृष्ण उनके प्रति अतिशय तृष्णा युक्त, आरती युक्त, उत्कंठा युक्त होकर ब्रज भाव लेकर उनका भजन करो। महाजन सान्निपाती रोगी विपसा सही जो कि महाजन एक सान्निपाती बीमारी होता है, एक तरह का बुखार आता है सान्निपात बीमारी। तो उसमें क्या होता है प्यासे हो करके पानी के लिए तड़पड़ाते, परंतु पानी नहीं दिया जाता है, उन्हें पानी पिलाने से मर जाएगा, परंतु पानी नहीं देते, वो तड़पड़ाते रहते हैं पानी के। इस प्रकार साधक व्यक्ति इष्ट प्राप्ति के तड़पड़ाते हैं, उत्कंठा में आकुल व्याकुल होते हैं। यही आकुलता व्याकुलता ही भजन का एक मार्ग है, यही चाहिए। प्रबल उत्कंठ अन्य अपेक्षा शून्य भजन हुआ चाहिए, कोई दूसरी अपेक्षा लेकर के भजन नहीं होता है। भगवान का भजन करने के लिए एक नजर, एक ध्यान, एक भावना होनी चाहिए, अनन्य भजन, कोई दूसरे की कोई अपेक्षा छोड़ दे सारा अपेक्षा। क्यों, हमारे अंदर में दूसरी दूसरी जितनी अभिलाषाएं होती है मन के द्वार को रोक देता है, मन के दरवाजा खोलता नहीं है, दरवाजा बंद हो जाता है। साधन के समय में लाभ पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा ये बड़े आसानी से या सहज रूप में छोड़ा नहीं जाता है, छोड़ता नहीं है। श्री बड़ी चेतावनी के साथ में कहा देखो लाभ पूजा प्रतिष्ठा यही बड़ा सर्वनाश है, दूसरों से हमें सम्मान मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा और प्रतिष्ठा की लालसा यही सबसे बड़ा खतरनाक है। भजन में
भक्ति की प्रबल अंतराय बाध न करी हो सचेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा सदा चिंत गोविंद चरण सकल विपत्ति जावे महानंद सुपावे प्रेम भक्ति परम कर प्रेम भक्ति चंद्रिका श्रील नरोत्तम ठाकुर की कृपा कीर्तन को प्रेम भक्ति चंद्रिका कह लिया तो उसमें जो वर्णन होता है असत चेष्टा नहीं करे ना पूजा प्रतिष्ठा की लालसा नहीं करे हे मन ये सब छोड़ कर निरंतर गोविंद पाद पद्म गोविंद चरण चिंतन करो तब सारी विपत्ति चली जाएगी और महा आनंदमय सुख मिलेगा। प्रेम भक्ति एकमात्र कारण है, अतः उस प्रेम भक्ति को पाने के महाजन की पदावली जो महाजन की शिक्षा महान पुरुषों की शिक्षा हमें ग्रहण करनी है। यदि साधक के आत्मा यथार्थ रूप में भजन रस का आस्वादन लाभ करना चाहता है या करता है तब उनके मन में राधा गोविंद की सेवा के अतिरिक्त तो और कोई अभिलाषा नहीं हो और नहीं जाए। यदि भजन रस का आस्वादन करना है तो राधा गोविंद की सेवा लालसा और कुछ नहीं चाहिए। मन से सारी कामनाओं को इच्छाओं को अभिलाषाओं को त्याग दे। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए ब्रह्मलोक आदेश तारे नाही भाए। कृष्ण चरण कमल कृष्ण के पाद पद्म का ये थोड़ा सा गंध भी जिन्हें मिल गया उन्हें ब्रह्मलोक के सुख ब्रह्म ज्योति ब्रह्म सुख मुक्ति सुख आदि उन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। चेतन चेता श्रीपाद सरस्वती चरण श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद चित्त मन राधा जी के रूप गुण लीलारस के ध्रुव अनुस्मृति इसी में डूबे हुए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा जी के रूप गुण और उनके लीला रस में निरंतर डूबे हुए हैं। राधा जी के चरण कमल के अतिरिक्त और उन्हें दूसरा कोई अभिलाषा नहीं। इसलिए पहले श्लोक में रासलीला के मधुर आस्वादन और उसकी स्फूर्ति को प्राप्त हुए थे। उस स्फूर्ति के विराम में दैन्य उदय हुआ था। हाय मैं कामना वासना का दास होकर उस प्रेममयी की प्रेम लीला दर्शन करने का क्या हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेममयी राधा जी की प्रेम लीला का दर्शन कैसे संभव होता कामना वासना का दास बनते। इसलिए उन्होंने यह प्रार्थना की हमारा शरीर रक्त मांस मल मूत्र आदि से भरा हुआ यह नश्वर शरीर जो विष्ठा मूत्र का शरीर रक्त मांस का शरीर इस शरीर के प्रति अभिनिवेश वो देह जो मल जो इस शरीर के जो मल है मैल
कैसे दूर होगा, कौन से उपाय से यह दूर हो सकता है। इस प्रकार सोचते सोचते उनका मन यमुना की महिमा का स्मरण होने लगा। श्री यमुना की अपूर्व महिमा की स्मृति होने लगी कि हमारे शरीर की रक्त मन से और मलमूत्र आदि जो शरीर, इस शरीर के प्रति अहंकार अभिमान कैसे हुआ। ये सोचते हुए उनका हृदय यमुना की महिमा का स्मरण होने लगा। इसलिए उल्लास के साथ में उन्होंने कहा, परम पावनी यमुना के जल में स्नान करते करते मेरा दुष्ट या अपवित्र मन तो पवित्र होगा। श्री रूप गोस्वामी पाद यमुनाष्टक में लिखा है, श्री करा विमिष्ट जंत दुर्विपाक मर्दिनी नंदनंदन अंतरंग भक्ति पूर वर्धिनी तीर संग माभिलाष मंगलानुबंधिनी मम पुनातु सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी शीकरा विमिष्ट जन दुर्विपाक मर्दिनी नंद नंदनांतरंग भक्ति पूर वर्धिनी तीर संग माभिलाष मंगलानुबंधिनी मम पुनातु सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी। जिस यौवन के स्पर्श से प्राणी मात्र के दुष्कर्म और दुष्कर्म जनित फल समूह विनाश होता है, नंदनंदन श्री कृष्ण के अंतरंग भक्ति प्रभाव को वर्धित करती है। ऐसे ही यमुना जी उस यमुना जी के किनारे बसवास करने को कोई इच्छा करे तो उनका समस्त प्रकार कल्याण विधान करते हैं। ऐसे जो रवि सुता यमुना देवी रवि नंदिनी सूर्य पुत्री यमुना हमें सदा सर्वत्र सदा सर्वदा पवित्र विधान करें। नंद नंद नंतरंग भक्ति पूर बढ़ते इस अंश की व्याख्या में श्री बलदेव विद्याभूषण पाद ने कहा, नंद 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 नंतरंगम भक्ति पूरी रागात्मिकां भक्ति धारां वर्धयति इति सा। यमुना जी क्या करती हैं? यमुना जी नंद नंदन के अंतरंग भक्ति पूर अर्थात रागमय भक्ति को समझना है। ऐसे नंद नंदन के प्रति रागमयी भक्ति को प्रदान करती है। श्री यमुना जी की जल कला के स्पर्श मात्र मानव रागमयी भक्ति के अधिकारी होते हैं। अतएव इस राग भक्ति में भी सर्वोत्तम मधुर रस जो कि राधा कैंकर्य का उपासना, राधा किंकरी बनने का ये उपासना है, यही उपासना सर्वोत्तम भाव को प्रकट करा देता है। यमुना अतएव परम पावनी यमुना के जल में रहस्यमय तत्व जो कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद के हृदय में उदित हुआ है। यमुना का जल जो है कृष्ण वर्ण के इतना काला
यमुना का पानी, बोले कि इस पावनी यमुना किनारे यमुना के जल में राधा माधव का नित्य विहार होता है। बोले कि यमुना जल में राधा माधव का नित्य विहार, अतः विहार के समय राधा जी के वक्ष स्थल में जो कस्तूरी कस्तूरिका है, उस राधा जी के वक्ष स्थल की जो कस्तूरी है उससे यमुना का जल पंकिल हो जाता है, गीला हो जाता है। इस महाभाव का निर्माल्य पा करके ऋषभानंद ने राधा जी जो महाभाव स्वरूप उनके यह प्रसादी कस्तूरी पा करके यमुना जी अपने को अतिशय धन्य किया कृतार्थ मानती हैं। इसलिए वह कस्तूरी का सर्वदा हृदय में धारण युक्त हो, अतएव यमुना जी अपने हृदय में कस्तूरिका को धारण करके कृष्ण वर्णा हो गई है। यमुना जी का जल तो अति पावन स्वच्छ निर्मल है, फिर भी कृष्ण वर्ण क्यों बने कि राधा जी की वक्ष स्थल की कस्तूरी के स्पर्श से जो कि यमुना जी जल काला हो गया। तो श्रीपाद सोचने लगे, यमुना जी एक तो परम पावनी है, उसके ऊपर राधा जी के कुछ कुमकुम कस्तूरिका के द्वारा पंकिल गीले हो गए, ऐसे प्रेम रसमय जल में स्नान करते करते मेरा भी जड़ीय शरीर का ये दुर्भिमान, शरीर का जो अभिमान यह भी दूर हो जाएगा। उस समय मैं अपने को राधा जी की सेवा पर किंकर हूं, इस रूप में अपने को पहचान कर पाऊंगा, पहचान हो जाएगा। वृंदावन के मनुष्य कुंज में आत्म शरीर राधा जी को हम ढूंढते रहेंगे, घूमेंगे वृंदावन में और राधा जी को कहाँ है, उठाए गो प्रेमोमयी राधे राधे। हे राधे तुम कहाँ पर हो, मुझे एक बार दर्शन दो, देखा। इस प्रकार वो मंजूर कुंज जो लताओं का मंजूर कुंज है, जो कि नागराज श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा नित्य मधुर विहार होता है, समस्त शास्त्र और विदग्ध जन इस निकुंज विहार की नित्यता का कीर्तन करते हैं। मैं उस मधुर लीला को देख नहीं पा रहा, हे राधे तुम कौन से कुंज में छिपे हुए हो, एक तो सारा थोड़ा दर्शन दे दो। इस प्रकार उस महात्माओं की प्रदर्शित पथ में क्या तुम घूमते नहीं हो, इस प्रकार बैकुंठ से रोते हुए वृंदावन के कुंज कुंज में हाथ में शरीर राधा जी को हम ढूंढते रहे। कब मेरी ऐसी दशा हो जो राधा जी को हम ढूंढते रहेंगे वृंदावन की गली गलियों में कुंज कुंज। श्रीपाद सागर दशा में आकुति भरा प्राप्त रहते अति मनो, ऐसे ही साधक जीवन में सबको राधा जी के लिए ऐसी प्रार्थना हो,
राधा माधव की मधुमयी लीला की परम उद्दीपन स्थान वह वृंदावन धाम। अतएव उस वृंदावन धाम के विषय में ऐसी आकुल भरा प्रार्थना हो जाए। प्रकृत साधक वृंदावने निश्चिंत रह नहीं सकते। जो यथार्थ साधक भक्त है, जो भजन परायण है, वृंदावन में जा करके चुपचाप बैठ रहे निश्चिंत रहे कैसे संभव हुआ। श्रील ठाकुर महाशय श्रील नरोत्तम ठाकुर जी ने ये कीर्तन गाया है तो उस कीर्तन के द्वारा यहाँ पर वर्णन होता। हरि हरि आर कवि पालकी दे दशा, हरे हरे हर कवि पालकी दे दशा, ये सब करिया जाव वृंदावन धामे, एई मने करियाछि आशा, ए सब करिया बामे जाव वृंदावन धामे, एई मने कि मेरे जीवन की ये दशा ये स्थिति कौन पड़ी, संसार का सब छोड़कर वृंदावन धाम में जाए, करे कुतूहले
श्यामा कुंड।